एक तरफ नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से आज एक और सदस्य घट गए, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की तत्काल बैठक बुलाई और उस बैठक में कई फैसले लिए गए, कुल 9 फैसले लिए गए। और इन 9 फैसलों में सबसे बड़ा फैसला, जिसका लंबे समय से विधायक और विधान परिषद के सदस्य इंतजार कर रहे थे, उसे तरजीह दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक और विधान परिषदों को दी जाने वाली राशि में नीतीश कुमार ने बढ़ोतरी की है। कितना बढ़ाया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जैसे ही संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से मंत्रिमंडल की बैठक, और इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी पहुंचे, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ और कई नेता पहुंचे, कई मंत्री पहुंचे। और इस बैठक में कैबिनेट की कई ऐसी 12 योजनाएं हैं जिस पर मुहर लगी, लेकिन उसके साथ साथ चर्चा ये भी हुई कि आखिर आगे कैसे सब कुछ ठीक ठाक रहे। आपको बता दें कि दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल दरभंगा में 2100 बेड के नए अस्पताल तथा नए महाविद्यालय भवन और आवासीय परिसर के निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दरभंगा शहर में जल निकासी के लिए 243 करोड़ की राशि भी मंजूर की गई। आपको बता दें कि इसके साथ साथ 2 जिलों में आरओबी निर्माण की मंजूरी भी दी गई। ये सब तो सामान्य प्रक्रिया के तहत था और कैबिनेट की बैठक में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये था कि इन सब के अलावे 12 में से अधिकांश जो फैसले हैं उसमें सड़क चौड़ीकरण की बात की गई, इसके लिए भी 234 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। तो इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग करने को भी हरी झंडी दिखा दी गई। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही जब इस विभाग के मंत्री स्टेज पर मौजूद थे तो नीतीश कुमार ने भाषण देते थे, अचानक उनके तरफ रुख किया था और कहा था कि तुम अपने पिताजी से पूछ लेना ना, हमको खूब बढ़िया से जानते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरओबी निर्माण के लिए 149 करोड़ 21 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। तो वहीं इसके मद में जो राशि है उसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। पिछले कैबिनेट की बैठक के फैसलों पर भी मुहर लगी है। बता दें आपको कि पिछले कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी, जिसमें बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित सैप के बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल 3566 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही खरीफ फसल के लिए भी किसानों को विशेष सहायता राहत देने की बात की गई है। आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के सरकार ने 12 एजेंडों पर मुहर लगाया है, लेकिन जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो हम आपको बता रहे थे कि विधान परिषद के सदस्य और विधायकों के लिए दी जाने वाली राशि में नीतीश कैबिनेट ने बढ़ोतरी कर दी है। अब इस मंजूरी के बाद बिहार के विधायकों और विधान पार्षदों को 3 करोड़ की जगह 4 करोड़ की राशि मिलेगी। ये राशि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत दी जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर के लंबे समय से डिमांड चल रहा था कि 3 करोड़ रुपए में विकास करना संभव है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा कहा जाए तो डिमांड पूरा किया है, और देखना दिलचस्प होगा कि अब आपके क्षेत्र का विकास किस तरह से और कितना तीव्र गति से होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके सामने होगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।